और सागर जो मेहर का सो शुभ तिले, और सागर जो मेहर का सो शुभ तिले, लहरे आवे मेहर सागर खूब सुख समे, इसी समय श्री केशवदास जी धाम धनी के आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी के संकलन कार्य में लगे हुए थे। धाम धनी, मैंने आपके आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। मेरे हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर वे जैसी अंत प्रेरणा करते रहे हैं, मैंने उसी अनुसार प्रकरणों और ग्रंथों का संयोजन किया है। इस कार्य में मैंने अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का कोई उपयोग नहीं किया है। अब छत्रसाल जी से मिलकर मुझे इस स्वाणी को बंगला जी में पधरा देना चाहिए। श्री जी के प्रकटन दिवस आसो सुदी चौदश को श्रीमुख वाणी बंगला जी के सिंहासन पर बहुत ही धूमधाम से पधरा दी जाती है। इस प्रकार विश्व को श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी श्री कुलजम स्वरूप के रूप में भेंट मिलती है, जिससे जगत के समस्त प्राणियों को अखंड मोक्ष प्राप्त होना है। पढ़ो मेरे वचन को, पढ़ो।
राम धनी, आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैंने संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं होता कि मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग रहूं। इसी के साथ केशवदास जी की आत्मा भी अपना नश्वर देह त्याग कर धनी के चरणों में पहुंच जाती है। वो भी क्या दिन थे कि जब मैं अपने प्राणेश्वर को अपने हाथों से परम धाम का सिंगार कराता था और उनकी आरती उतारता था। मेरी खुशी के लिए धामधनी ने बिजावर में रासलीला का भी दर्शन कराया था। मुझे प्रतिदिन कम से कम 6 प्रहर तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। अंतर्ध्यान लीला ने मेरे इन सुखों को छीन लिया है। अब तो श्री जी से बहुत थोड़ी देर बाद हो पाती है, किंतु वो भी मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा ही है। अब श्री जी के दर्शन के लिए मुझे चलना चाहिए, अन्यथा मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। नहीं संभाल पाऊंगा। प्रिय छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता हूं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? धामधनी, 10 सालों तक जो ब्रह्मलीला का सुख आपने हमें दिया है, अब वो सुख तो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। छत्ता, चितवनी में डूब जाने पर तुम्हें अपने धाम हृदय में वो सारी लीला दिखाई देगी। अंतर्ध्यान होना तो एक लीला मात्र है। मैं किसी भी आत्मा से ना कभी अलग हुआ हूं, ना कभी होऊंगा। प्रार्णा जी, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, कृपया आप मेरे कष्ट दूर करें। Thank you.
ये ले जाइए, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिय छत्ता, ये बेचारे मनुष्य अज्ञानवश अनेकानेक दुखों से पीड़ित होते रहते हैं और आत्मिक आनंद से वंचित रहते हैं। मेरी अलौकिक अंतर्ध्यान लीला को भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के संशय उनके मन में बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तहखाने में आने वाले गुप्त मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं इस छठे दिन की लीला में तुम्हारे और सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान होकर जागनी कार्य करता रहूंगा। प्रिय छत्ता, आप सुंदर साथ को वाणी देकर जगह जगह जागनी कार्य करने का आदेश दीजिए। अब श्री जी के तन की गहन समाधि की अवस्था है। अंतर्ध्यान की लीला तो प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए एक लीला मात्र है। श्री जी,
अपने पंच भौतिक तन से आज भी पूर्ववत विराजमान है। वे इसी स्वरूप से छत्रसाल जी को एक वर्ष तक दर्शन देते रहे। इसी समय केशरबाई नाम की एक विदुषी परब्रह्म की प्रेरणा से पन्ना की तरफ जा रही थी। महाराज, आज मैं आपके सानिध्य में आकर धन्य धन्य हो गई। अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का कष्ट करी महाराज। केसर भाई जी, क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही एकमात्र पर ब्रह्म है। उन्हें पाने के लिए अलन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की आवश्यकता होती है। बाह्य कर्मकांडों और शुष्क साधनाओं के बल पर उनको पाया नहीं जा सकता। केसर भाई जी, मैं बाह्य रूप से ही इस सिंहासन पर बैठा हूं, किंतु मेरा हृदय पल पल प्रियतम के प्रेम में डूबा रहता है। महाराज, अब मेरे लिए क्या आदेश है? विराजिए। प्राण आधार सुंदर सात जी, छठे दिन की इस लीला में धाम धनी ने तारतम ज्ञान के प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर देश और विदेश के कोने कोने में फैल जाएं। भाई सीताराम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में इस ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार का कार्य करें। केसर भाई जी, जामनगर में बिहारी जी के धाम गमन के पश्चात उनकी गादी बंद हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर गुजरात के काठियावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में जाकर जागनी के कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। भीम भाई, आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं राजस्थान की ओर जाना चाहता हूं। अवश्य। मैं सूरत क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अवश्य। भाई चेतन दास जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिहार, बंगाल, आसाम व नेपाल के क्षेत्र में जाकर तारतम वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। मुकुंद दास जी, आप उदयपुर चले जाइए। मेरी धाम धनी से ये प्रार्थना है कि आप सभी ब्रह्म मुनियों को इतना आत्मिक बल प्रदान करें कि आप सब जागनी कार्य को उचित रूप से संपादित कर सकें। श्री जी के आदेश से मैंने जागनी कार्य के उत्तरदायित्व को लगभग पूरा कर दिया है। अब मुझे चितवनी में डूबकर प्रियतम के प्रेम और आनंद में
पल पल खोए रहना होगा। महाराजा छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान होने के कुछ वर्ष पश्चात मस्तान नाम के एक फकीर अंतह प्रेरणा से गुम्मट जी में प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। आज मुझे अपने महबूब आदि का दीदार हो जाएगा, अब मैं अंदर चलता हूँ। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? ए, ना जाने कहाँ से इतने गंदे आदमी चले आते हैं। मैं इतनी दूर से प्राणनाथ जी का दीदार करने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो भाई। तुझे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे हादी, मैं तो यहाँ अपने महबूब का दीदार करने आया था, यहाँ तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। दरबान, हटो यहाँ से। अरे, आज गुम्मट जी का पंजा साक्षात हिल रहा है। लगता है इन फकीर साहब को हमारे श्रीजी स्वयं बुला रहे हैं। चलो भाई चलो, श्री जी ने तुम्हें स्वयं बुलाया है। हाँ, उठो। हाँ। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम दे, आसिका राम दे, सकल दुख भाजे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी इस्तान रूह, देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी। पन्ना में विराजे हैं पन्ना परम धाम दे करके प्रणाम दे, आसिका राम दे। श्री प्राणनाथ जी की मेहर के छांव तले कोई भी ब्रह्मात्मा जागनी कार्य करती है। इसी तारतम्य में पद्मावती पुरी धाम पन्ना, नौतनपुरी धाम जामनगर, महामंगलपुरी धाम सूरत आदि स्थानों से जागनी कार्य का प्रवाह चलता रहा है। वर्तमान समय में ब्रह्म मुनि जागनी रतन श्री जगदीश चंद्र जी की जलाई हुई ज्योति से श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम वडोदरा, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा और लॉर्ड प्राणनाथ डिवाइन सेंटर यूएसए जैसे पवित्र जागनी केंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनके उपरांत देश विदेशों में आज सैकड़ों तारतम ज्ञान के मंदिर स्थापित हो चुके हैं, जहां पर आत्मखोजी अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई भी निजानंद संप्रदाय से जुड़ी थी। उन्हीं की प्रेरणा से महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की सोई खुदा सोई ब्रह्म की बीज रूप अवधारणा बचपन में ही प्राप्त कर ली थी। प्राणनाथ जी के
सुख शीतल करुण संसार के लक्ष्य की सिद्धि, गांधी जी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के महान संदेश में फलित हुई। उनके अहिंसा, अस्पृश्यता आदि सत्याग्रहों की सफलता में भी श्री प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान का बल और आशीर्वाद स्पष्ट दिखता है। आने वाले दिनों में भी श्री प्राणनाथ जी प्रदत्त तारतम ज्ञान विश्व को एक रस करने में कारणभूत सिद्ध होगा। आत्माओं के प्रियतम अक्षरातीत परब्रह्म ही प्राणनाथ हैं, जो मूल मिलावे में अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है और महामती जी के धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। सभी आत्माओं के दिल में उसी की शोभा झलकती है, इसलिए आत्म जागृति के लिए ये आवश्यक है कि हम महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अपने प्राणेश्वर को अपने धाम दिल में बसाएं और अपनी सूरता मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में लगाए रखें। यही आत्म जागृति की राह है। परम धाम के एक पल में ही हमें ब्रज, रास और जागनी का खेल दिखाया गया है। परातम में जागृत होने पर वहां हमें उसी पल और उसी घड़ी का अनुभव होगा। सक्सेस पर मैं श्री रमन भाई पटेल जी, श्री मनु भाई पटेल जी और वो सारे विद्वान, सुंदर सात विद्वान जिन्होंने इस सीरियल में सहयोग दिया, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट पहले करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने और मेरी कंपनी ने बहुत सारे सीरियल बनाए, जैसे जय श्री कृष्णा, रामायण, हनुमान, लेकिन ये सीरियल के दौरान जो मेरे साथ एक घटना घटी, जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्च 31 तारीख लीलावती हॉस्पिटल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई।
यानी कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ। कब मुझे SICU यानी कि सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया मुझे होश नहीं थी, लेकिन जब होश आई, होश आते ही कुछ घंटों में अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे आपको मौत हर जगह से देख रही है। इट वॉज लाइक अ स्टेयर ऑफ डेथ विच इज लुकिंग एट यू। डर के कारण मैंने अपने आंखें बंद कर दी और कुछ देर तक तो जैसे बेहोश ही पड़ा रहा। हल्की सी होश आई तो मुझे पहली बार एहसास हुआ जैसे मैं कोई एक रोशनी देख रहा हूँ और बड़ी तेज सी रोशनी देख रहा हूँ और उसी में मुझे राज्य के दर्शन हुए। मे बी ये विश्वास करें लोग नहीं करें, या मे बी मैं सीरियल बना रहा था। तो कहते हैं कि प्रभु अकारण दयालु होते हैं, उनको उनकी दया का कभी कभी कोई कारण नहीं होता। हो सकता है क्योंकि मैं सीरियल बना रहा था इसलिए मुझ पर कोई खास कृपा हुई हो उस वक्त। और दर्शन होने के बाद ऐसे लगा जैसे कि वो जो एक डर का एटमॉस्फेयर था मेरे मन में, मेरे चारों ओर और जो मैं देख रहा था चारों ओर, जैसे अचानक ही वो वैनिश हो गए, गायब हो गया वहां से। मेरे मन में और मेरी आत्मा में अचानक ही जैसे कोई एक ऐसी शक्ति आ गई जिसने मुझे एकदम शांत सा रखा और एक मेरे फेस पे एक स्माइल सी रखी। एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो फियर, कोई जैसे डर ही नहीं था। और एक जैसे अंडरस्टैंडिंग आई, जैसे कोई अनसेट नॉलेज आ जाती है कि जिसने जो उस अनसेट नॉलेज ने इतनी शक्ति दी कि हम जो भी हैं, हमारी आत्माएं जो भी हैं, वो जहां से आई है वही जा रही हैं। हम क्या लूज कर रहे हैं? इंस्टेड इट इज अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर गोइंग बैक फ्रॉम वेयर वी हैड कम। एंड देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर अस टू सी अस, मीट अस। हम यहाँ पे एक नाटक खेलने आए हैं, एक नाटक ही है देखा जाए तो, एक खेल खेल रहे हैं, अपना अपना खेल देख रहे हैं। आए तो वहां से हैं जहाँ से भेजा गया है, राज्य ने भेजा है जहाँ से, वहीं से आए हैं, वहाँ से हम ये सब देखते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, अपनी इच्छा प्रकट की इसलिए हम यहाँ आए। ठीक है, आए हैं यहाँ का सुख दुख सब देख रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन सुख दुख से एक स्टेज आती है वह आपको ऐसी एक शक्ति मिल जाती है राज्य के कारण कि जो आपको इस सुख दुख के डर से मुक्त कर देती है। इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम दिस हैप्पीनेस, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, यू आर फ्री ऑफ बोथ द फीलिंग्स। तब हमें रियलाइज होता है कि सिर्फ उनकी कृपा से, उनकी ही शक्ति से हम ये अल्टीमेट ब्लिस तक पहुंच सकते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, जो हमारा एक अल्टीमेट इस लाइफ का गोल रहता है। पर कुछ दिन के बाद और उस एक दर्शन के बाद जैसे मेरी एक पूरी जिंदगी बदल जाती है, एक आदमी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। एंड ये अनुभव पर्सनल है मेरा और ये जो बता रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल SICU में मेरे साथ हुआ था। एंड ये मैंने शेयर किया नहीं है किसी से, लेकिन आज क्योंकि ये सीरियल का लास्ट एपिसोड है, तब मैंने सोचा कि दिस एक्सपीरियंस आई एम मस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल। एंड इट इज समथिंग विच नो वर्ड्स विल एवर बी एबल टू एक्सप्लेन। प्रणाम। पार्वमक्षाति सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के लाडले। दर्शक सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लास्ट एपिसोड बताते हुए आप सबके चरणों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने एपिसोड के लिए पूरा आर्थिक सहयोग
जिन जिन सुंदर साथ ने दिया है उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सागर पिक्चर्स के मोती सागर जी एवं शिला सागर जी के परिवार ने हमें रूहानियत प्रेम देकर पूरा निर्माण कार्य संपन्न किया है। इस सीरियल में श्री मनोभाई जी अपनी धर्म पत्नी के साथ इस भगीरथ ऐतिहासिक एवं मंगलमयी कार्य को संपन्न करने में अपना तन मन धन और जीव न्योछावर करके अपनी धर्म पत्नी श्रीमती रेणुकाबेन के साथ निजानंद आश्रम में रहते हुए अमेरिका की वैभवशाली जीवन और व्यवसाय छोड़कर इस कार्य में उन्होंने एडिटिंग प्रोडक्शन सामंजस्य बनाने में विद्वत गणों के साथ पूरा संबंध बना के इस कार्य को संपन्न किया है। इसके साथ साथ मुंबई निवासी श्री दीपेश भाई शाह ने भी अपना अमूल्य समय देकर बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। सागर पिक्चर्स की टीम जिसमें स्टोरी राइटर श्री महिपाल जी एवं श्री नदीम खान, पूरी कुशलतापूर्वक उन्होंने हमारे स्वप्नों को साकार किया है। समग्र सीरियल का प्राण बोधगम्य स्टोरी और डायलॉग होता है। इस सेवा का कार्य दिन रात कड़ी जहमत उठाकर सुशांत महात्मा जी, राजन स्वामी जी, नरेश टंडन जी, नरेंद्र भाई पटेल यूएस और विजय भाई आहूजा ने, ये सब सुंदर साथ ने सेवा की है। समग्र शूटिंग प्रक्रिया में, प्रोडक्शन में सुपरविजन, कलाकारों का चयन, ड्रेस का चयन, ये सब कार्यों में बालाजी, प्रिय दर्शन पटेल एवं आशीष निजानंदी ने अपने आर्थिक उपार्जन की परवाह किए बिना ये पूरी सेवा निभाकर श्री राज्य के प्यार प्रेम के अधिकारी बने। ऐसे ही इस पूरा कार्यक्रम में, इस पूरा प्रोजेक्ट में बैकबोन बने हुए हमारे संयोजक श्री 108 श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट पन्ना के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर दिनेश भाई पंडित, दिल्ली प्रीतमपुरा श्री प्राणनाथ जी मंदिर के अध्यक्ष श्री पूरनचंद जी आहूजा एवं श्री मनु भाई के साथ साथ इनके लघु बंधु महेश भाई और अशोक भाई ने इस पूरा संयोजन कार्य में, मैं ये कहूँ कि पूर्ण रूपेण इस सेवा की है। निजानंद आश्रम वडोदरा के समस्त सेवादार सुंदर साथ ने भी इस पूरा प्रोजेक्ट में जो सेवा की है इससे सुंदर साथ एवं राज्य का लाड और प्यार पाया है। अंत में मैं अपनी धर्म पत्नी कमला को भी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने और मेरी बेटियां ने अपनी संपत्ति को इस कार्य में डालते हुए मुझे रोका नहीं और हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है। ऐसे सेवादार, सहायक एवं प्रेरणा प्रदान करने वाले तथा टिका टिप्पण करके भी हमें जागृत रखने वाले सब सुंदर साथ के लिए पार ब्रह्मक्षाति सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इनके लिए शुक्रिया अदा करते हुए रज गुजारता हूँ कि धनी सबको अपनी मेहरों के सागर में डुबते हुए प्यार प्रेम और इश्क से पूरे विश्व में शांति 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 का साम्राज्य हो।
बस यही प्रार्थना करते हुए आप सब सुंदर साथ को मेरा उतान श्री ब्राह्मणा जी टीवी सीरियल के दर्शक प्रिय सुंदर साहब जी, आप सबका धन्यवाद करते हुए आनंद और गौरव की अनुभूति मुझे हो रही है। आज आप सबके आत्मा स्वरूप में मैं आपको सप्रेम प्रणाम करता हूँ। इस टीवी सीरियल कार्य का निर्माण पूज्य जागरण रत्न सरकार श्री के द्वारा चलायमान जागरणीय अभियान के रजत वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे पूज्य श्री रमन भाई जी के सक्षम नेतृत्व में शुभारंभ हुआ। इस मंगलमय कार्य में सेवा सहयोग करने के लिए मैं मेरी धर्मपत्नी रेणुका के साथ में जब कैनेडा से चला तब मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे प्रियतम की कृपा और उनकी आज्ञा हमारे साथ में है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया वैसे वैसे धनी की कृपा की, धनी की आज्ञा की हमें अनुभूति का एहसास होता गया। हमने इसको कई बार महसूस भी किया। सबसे पहले मैं कहूंगा राजी ने अपने हुक्म के द्वारा हमें एक सही वार पे लाके खड़ा कर दिया इस प्रोडक्शन कार्य के लिए। और एक आई फ्लोर था सागर पिक्चर्स का, आदरणीय श्री मोदी सागर जी का, और हमारे साथ में लगे हुए सेवादार सुंदर साथ जिन्होंने हमारी सेवा समर्पितता से इस कार्य में सहयोगता किया। इसी कारण से आप सबके सामने हम एक ऐतिहासिक और मंगलमय कार्य प्रस्तुत कर सके। आज आप उसका दर्शकवा एपिसोड देख रहे हैं। इस पूरे टीवी सीरियल के 63 एपिसोड की एक डीवीडी भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सबको लेंथ में, ज्यादा लेंथ में सीन्स भी देखने को मिलेंगे और प्रसिद्ध कलाकारों और संगीतकारों के द्वारा तैयार किया गया हुआ 200 से अधिक चौपाइयों का वाणी गायन भी हम ये डीवीडी में डाल रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों तक हमें पूर्ण विश्वास है कि ये डीवीडी सेट आपकी जागनी में सहायभूत होगा, नॉट ओनली फॉर यू बट योर होल फैमिली एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू कम। दिस विल बी एसेट फॉर यू, दिस इज स्पिरिचुअल एसेट फॉर यू एंड योर फैमिली। सोनी जापान के द्वारा इस पूरे सेट का निर्माण कार्य मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। छठा दिन मोमिनों का है, छठे दिन की लीला में हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए जागो और जगाओ। अभी आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस मंगल कार्य को गांव-गांव, शहर-शहर ले जा करके श्री प्राणनाथ जी का दिव्य संदेश पूरे विश्व में हम फैलाएं, ताकि पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य हो और सबके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खुले। ऐसी शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ। आप धनी ने ही, श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, सेवा सिफत मोमिनों की सब पहुंचत है हक, इन समान बंदगी नहीं कोई गुजरक। आप सब सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप में प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अर्ज करूं
जब तुम आप दिखाओ।